नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिल्य। आज मैं बात करूंगा आपसे बिहार की, और वो भी आरक्षण की। दरअसल बिहार की नीतीश सरकार के द्वारा आरक्षण बढ़ाने के फैसले को कोर्ट ने तो रद्द कर दिया, पर क्या अभी आने वाले वक्त में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें आरक्षण को लेकर कोर्ट का कोई अवरोध भी ना हो और नीतीश कुमार का सपना भी साकार हो जाए। दरअसल बीते सोमवार को पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार के उस फैसले को पलट दिया जिसमें बिहार में आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% करना शामिल था। बिहार में आरक्षण की सीमा को बढ़ाए जाने को लेकर हाईकोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उसे खारिज कर दिया। साल 1992 के इंदिरा साहनी केस के जजमेंट को आधार बनाकर कोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण देने के मसले पर सीमा बढ़ाने की बात को संविधान सम्मत नहीं माना। हालांकि हमारे देश में ही एक राज्य ऐसा भी है जहां 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु, जहां 1990 से ही तमिलनाडु की सरकार ने अपने यहां 69% आरक्षण लागू किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के 1992 वाले फैसले के बाद भी यहां की राज्य सरकार पीछे नहीं हटी। उसने विधानसभा में एक विधेयक पारित कराया जिससे कोई अदालती फैसला या कार्रवाई उसके आरक्षण की राह में बाधा न बने। अब बिहार से आई इस खबर ने सियासत में भूचाल ला दिया है। विपक्ष लगातार हमलावर है। आरजेडी के कुछ नेताओं का तो कहना है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जब साथ थे तब इन दोनों के प्रयासों से आरक्षण सीमा को बढ़ाया गया, जिसमें तेजस्वी यादव शुरुआत से ही 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की वकालत करते रहे हैं। जाहिर है कोर्ट के इस फैसले के साथ ही बिहार में आरजेडी ये माहौल बनाना शुरू कर चुकी है कि नीतीश केंद्र सरकार को समर्थन देने के एवज में 65% आरक्षण को 9वीं सूची में डलवाने का प्रयास तेज करें, वरना उन्हें आरक्षण विरोधी करार दिया जाएगा। दरअसल संविधान की 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य कानूनों की सूची शामिल है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। केंद्र में अब नई सरकार यानी मोदी 3.0 के गठन के साथ ही अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश कुमार अपने राज्य बिहार में आरक्षण की सीमा को बढ़ाने के लिए यह विषय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बना पाएंगे, या अदालती फैसले के साथ ही बिहार में आरक्षण सीमा को बढ़ाने की चर्चा का अंत हो जाएगा।